वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर पर कैसे बनाएं दूध से पनीर, बिल्कुल रेडीमेड पनीर की तरह, जो बाज़ार में मिलते हैं अमूल या फिर किसी दुकान वाले के पनीर जैसा पनीर। इसके लिए मैंने लिया है 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क। मैंने इसे उबाल लिया। एक उबाल आने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया। बंद होने के बाद थोड़ी देर तक, 2-4 मिनट तक छोड़ दिया। अब मैंने लिया है 4 टेबल स्पून वाइट विनीगर और इसमें इतना ही पानी ऐड करके धीरे धीरे दूध में डालना है और स्पून से इसको स्टेयर हिलाते रहें, करते रहें धीरे धीरे, और पानी भी, विनीगर वाला पानी भी धीरे धीरे, इकट्ठे सारा पानी नहीं डालें और थोड़ा धीरे धीरे हिलाते रहें। अगर लगे कि विनीगर थोड़ा कम पड़ रहा है तो थोड़ा और विनीगर ले ले और पानी मिला के डाल दे। अब देखिए एकदम अच्छे से दूध फटने लगा है और ये दूध और पानी छेना पनीर और पानी अलग अलग हो गया है। आप चाहें तो विनीगर की जगह नींबू के रस का भी प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन विनीगर वाले में, नींबू वाले में क्या होता है, थोड़ा कितना भी आप उसको धो लें लेमन का टेस्ट थोड़ा आता रहता है, लेकिन इस वाले में बिल्कुल भी, ये होटल या फिर जो रेडीमेड पनीर आता है उसकी तरह इसका टेस्ट आएगा। अब पनीर मतलब तैयार है, अब इसको छान लेंगे। देखिए एकदम अच्छे से पनीर बना। 2 किलो दूध में लगभग 350 से 400 ग्राम तक पनीर बन जाता है। अब पनीर को छान ले, एक कॉटन कपड़े में छान ले। अब इस पनीर को पानी से, बहते हुए पानी से अच्छे से धो लें जिससे कि विनीगर पूरी तरह इस यहाँ से निकल जाए अच्छे से, और पनीर थोड़ा ठंडा भी हो जाए, अदरवाइज वो गर्म में और भी बनता रहता है और इससे हार्ड होने का थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है पनीर के। अच्छे से धो लें। अब ठंडा, फ्रिज का ठंडा पानी हो या फिर आपके पास आइस है तो उसको लेके पनीर में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इससे क्या होगा, पनीर ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। इसको 4-5 मिनट के लिए बस ऐसे छोड़ दें। ठंडा पानी नहीं है तो आइस की प्लस थोड़ा पानी ऐड करके छोड़ दें। 4-5 मिनट के बाद सारा पानी निकाल लें। ठंडे पानी में डालने से क्या होता है, आइस वाटर में डालने से पनीर या फिर पनीर के लिए छेना बना रही हो या फिर रसगुल्ले के लिए, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब वाटर को स्क्वीज़ कर ले। अब हल्के से स्क्वीज़ करके इसकी एक पुटली बना ले और जितना मोटाई में, जितना मोटा आपको पनीर चाहिए उतना में उसको फैला के कुछ हैवी चीज़ से इसको दबा दें। मैं एक थाली के ऊपर पनीर रखती हूँ, फिर एक थाली रख के उसके ऊपर कुछ हैवी चीज़ डाल देती हूँ। मेरे पास ये एक पॉट है, उसमें 4-5 लीटर 6 लीटर वाटर आता है, पानी भर के मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ। आप इसे ऐसे ही 1 से 1.5 घंटे रहने दें, 1 घंटे, और उसके बाद बर्तन, भारी वाला बर्तन हटाकर पनीर निकाल लें। 1-1.5 घंटे से ज़्यादा ना छोड़ें, नहीं तो पनीर हार्ड बन जाएगा। ये दूध फाड़ने के बाद जो पानी बचा था दूध का, जिसको वे वाटर बोलते हैं, वे प्रोटीन भी बोलते हैं,
उसको आप अगर यूज करना चाहें तो मेरे ऐसे भी आप पी सकते हैं, तो मेरे घर में ऐसे कोई पीता नहीं, तो मैं इसका यूज आटा गूंथने में करती हूँ। और इससे जो रोटी बनता है उसको पनीर की सब्जी के साथ खाएं, कुछ के साथ खाएं, तो बहुत ही सॉफ्ट और थोड़ा बहुत नान जैसा टेस्ट देता है। अगर रोटी नहीं बनाना हो, जीरा राइस बनाना हो, घी राइस बनाना हो, तो सिंपल पानी की जगह इस पानी को भी यूज करें, तो थोड़ा टेस्ट अलग होता है और आपका ये प्रोटीन वाला पानी भी यूज हो जाएगा। देखिए बिल्कुल दुकान की तरह पनीर बना है, आप चाहे तो इसे तुरंत यूज़ कर सकते हैं, कुछ रेसिपी बना सकते हैं, या फिर इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं और एक दो दिन के बाद भी यूज कर सकती हैं। अगर एक दिन से ज़्यादा यूज़ करना हो तो एक दिन के बाद उसमें पानी डाल दें जो सॉफ्ट बना रहेगा। अगर जस्ट कल ही यूज़ करना है तो एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रखें, फ्रीजर में बिल्कुल भी ना रखें। अगर 3-4 दिन रखना है तो पानी में डाल के तब रखें। यूजुअली मुझे यदि कल बनाना है तो मैं एक दिन पहले पनीर बनाकर रख लेती हूँ। अगर आप बिना पानी डाले भी फ्रिज में डाल देती हैं और पनीर थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो यूज़ करने से आधे घंटे पहले थोड़ा ल्यूक वार्म पानी में पनीर को छोड़ दें, तो वो बिल्कुल आधे घंटे में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए।